नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज़ में। आज हम फिर से हाजिर हर रोज़ की तरह बॉलीवुड दुनिया की 20 बड़ी खबरों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के फिल्म के 4 निर्माताओं को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने थामा बीजेपी का दामन। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक से नाराज हुए सलमान खान। विक्रम भट्ट ने बायोपिक फिल्मों को बताया भेड़ चाल का नतीजा, बोले ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सनी देओल। चुनाव लड़ने की भी है चर्चा। केसरी बॉक्स ऑफिस पर 6वें दिन अक्षय परिणीति की केसरी मंगलवार को पहुंची 100 करोड़ के करीब। तारीख के साथ ही बदल गया अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का नाम। सेक्स वर्कर्स के समर्थन में उतरी रेणुका शाह ने कहा, वो अपना शरीर बेचती हैं, किसी का हक नहीं। रणवीर सिंह के साथ 83 से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं कपिल देव की बेटी आमिया। आयुष्मान खुराना से कंपटीशन पर बोले अपार शक्ति, कहा हम दोनों के अलग रास्ते। नीता अंबानी ने मुंह दिखाई की रस्म में बहू श्लोका को दिया 300 करोड़ रुपए का नायाब तोहफा। कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। सलमान खान ने फिर दिखाया अपना फिटनेस फ्रेम, फैंस ने कहा बीइंग स्ट्रॉन्ग। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन लड़ेंगे चुनाव, बोले पार्टी तय करेगी सीट। राजस्थान पुलिस ने शेयर किया कलंक का पोस्टर, बोले हमसे बर्बाद इस दुनिया में कोई नहीं। सलमान खान फिर से करने वाले हैं एक कोरियन फिल्म के रिमेक में काम, खुद ही किया खुलासा। रानी मुखर्जी ने शुरू की मर्दानी 2 की शूटिंग। जब रैंप पर उतरी रिंकू भाभी, लोगों से कहा मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। आलिया अजय से भिड़ेंगे रणबीर। तो ये थी बॉलीवुड की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हम अन्य खबरों को लेकर के। हर रोज की तरह देखते रहे हमारे न्यूज चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।